आज से ठीक 100 साल पहले 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। इसके अलावा आज हम राष्ट्रवादी नेता एम ए अयंगर को भी याद करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आज से ठीक 100 साल पहले 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन ने अगले 1.5 साल में जैसे जैसे गति पकड़ी, देश भर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। जनवरी 1922 में गोरखपुर कांग्रेस कमेटी और खिलाफत कमेटी ने किसानों से विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरने का नेतृत्व करने का आग्रह किया। पुलिस ने विदेशी कपड़ों का व्यापार का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस घटना से स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। 4 फरवरी को चौरी चौरा कस्बे में लोग जमा हो गए और चौरी चौरा थाने के नजदीक मुंडेरा बाजार में धरना देने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने जब गोलियां चलाई तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर हमला बोला। भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 23 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई और पुलिस की काफी संपत्ति नष्ट हो गई। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया, जिसे अंततः 12 फरवरी 1922 को रोक दिया गया। चौरी चौरा घटना के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाया। उनमें से 6 की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। 8 महीने के लंबे मुकदमे के बाद 172 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले पर गंभीर प्रतिक्रिया हुई थी, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले को संशोधित किया और 19 को मौत की सजा, 110 को आजीवन कारावास और शेष को लंबे कारावास की सजा सुनाई। इन शहीदों के सम्मान में इस स्थल पर आज शहीद स्मारक खड़ा है। देश के इन वीर सपूतों को हम नमन करते हैं।